अच्छा काम चल रहा है सर। लगभग एक महीने में 125 IDM ज्वाइन करती है मेरी पूरी टीम। ग्रेट ब्रदर। और इसमें सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मिस्टर खुशनूद आलम सर का। सर रोजाना उनका मेरे पास फोन आता है, अगर मैं बैठ भी जाता हूँ तो वो मुझे रोजाना फोन करते हैं कि अपनी टीम में एक्टिव करो। तो सर हम एक टारगेट लेके चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्त। समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं मैक्सिमम लोगों को मौका देना चाहता हूँ, मैं माफी चाहूंगा ब्रदर। ठीक है, धन्यवाद। मैं अमन, हाँ थैंक यू ब्रदर, मैं अमन रावत जी को मौका देना चाहूंगा। अमन रावत जी को अनम्यूट करिएगा। दस बजे तक हम लोग जो है सर, जितने भी हम कवरअप कर सकेंगे वो सारे के सारे लोगों को, गेस्ट को अपने लेंगे। 10 बजे के बाद हम लीडर शेयरिंग में जाएंगे। अमन रावत सर, यस अनम्यूट करिएगा सर प्लीज। अमन रावत जी, हैंड रेज किया हुआ अमन रावत जी ने। जी रावत सर बोले, वेलकम सर। हाँ जी रावत सर, आवाज आ रही है आपको? आरएल चौधरी जी, सर चौधरी जी को अनम्यूट करिए। आरएल चौधरी जी, जी चौधरी सर बोलें सर। चौधरी सर आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपनी बात रख सकते हैं। चौधरी सर आप तक आवाज आ रही है? नेक्स्ट हम लेंगे सर राजेश दास जी, अनम्यूट करिएगा सर राजेश दास जी। हेलो चौधरी सर, वेलकम वेलकम, बोलें सर। थैंक यू, मेरा नाम रामलाल चौधरी है, मैं राजस्थान उदयपुर फतेहनगर से हूँ। सबसे पहले मैं टोलविन के सभी लीडर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपके कठिन परिश्रम से आप लाखों लोगों को, बेरोजगार को रोजगार देने का वादा किया है, इसके लिए मैं दिल से और पूरी टोलविन लाइव की पूरी टीम से आपको थैंक यू, समस्त टॉप लीडर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने न अपनी टीम न अदर टीम का ध्यान रखते हुए आपने एक ट्रेनिंग सिस्टम रखा है, जो जूम हो या एक तरह से ये हो, बट आपने एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। मैंने बहुत ही कम टाइम में, मेरी ज्वाइनिंग 10वें महीने की है और मैंने $3,000 का बूस्टिंग इनकम किया है और $2,000 मैंने डायरेक्टली किया है। $5,000 मेरे जीवन में मैंने कभी भी किसी भी सिस्टम से नहीं कमाया है। आप लोग एक भगवान के रूप में एक ग्रेट लीडर है, आप थोड़ी सी मतलब वैल्यूएबल वो चीजें पॉइंट्स रखें सर। आपकी अपलाइन का और है, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है सर? मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे $10,000 इनकम करना है जी। मेरा एक ही सपना है, $10,000 इनकम करना है। मेरा सीनियर कल्फेश जैन है और मेरा नाम रामलाल चौधरी है, मैं राजस्थान फतेहनगर से हूँ। आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि पूरी इंडिया में आपने रोजगार को रोजगार देने का वादा किया है। जी जी, आप डेली मंच पे आते रहे सर, दोबारा हम जरूर आपको सुनेंगे। तो आप एक तरह से भगवान के रूप में, एक लीडर के रूप में आप विराजमान हो, बट आप सभी का ख्याल रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिराज अंसारी सर प्लीज अनम्यूट करिएगा सर, मिराज अंसारी जी को। हाँ जी अंसारी सर अपनी बात रख सकते हैं प्लीज। अंसारी सर अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मिराज अंसारी सर, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं रॉक स्टार फिल्म्स प्लीज। हाँ मिराज सर बोले बोले, आप अगर अनम्यूट कर चुके हैं बोले मिराज सर। हेलो, हाँ जी हाँ जी मिराज जी बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार दोस्त बोले।
बहुत बहुत धन्यवाद इस्मत प्रेमकुल्लानी के लिए। जी जी सर, हमारा भी टीम जो है कि 200 के आसपास टीम हो गई है ना। मैंने भी लमसम $300 लमसम कमाया हूँ। ग्रेट, क्योंकि हमारे अपलाइन कौन है दोस्त, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या टारगेट है? हम उत्तर प्रदेश से जिला देवरिया से बात कर रहा हूँ सर। जी देवरिया जिला मेरा घर है। अपनी ग्रेटेड अपलाइन का अपलाइन है हमारा गुड्डू गुड्डू जी है हमारा। हाँ टारगेट क्या है अगले महीने का क्या टारगेट है? टारगेट यही है सर कि मतलब हम लोग को ज्यादा से ज्यादा टीम बनाना है और ज्यादा से ज्यादा जो है कि ज्वाइनिंग लाना है। बहुत 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 बढ़िया जो है कि बहुत बढ़िया ये जो है जो भी लाया बहुत बढ़िया चीज है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मीरा जी, अपने अपने विचार रखे। हाँ रॉक स्टार सर प्लीज बोले सर, रॉक स्टार फिल्म। सर मैं ये बताना चाहता हूँ ओनली बात, मेरी जो है 15 साल, ठीक है ठीक। और अभी मैं वॉइस आ रही मेरी? हाँ आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा लाउडली बोलिए, कोई बात नहीं। अभी आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। सर मुझे 15 साल अभी है ना, मैं 18 दिन पहले स्टार्ट किया हूँ और मेरा नाम है यूपी टावा से हूँ, मेरा स्पॉन्सर है अभिषेक प्रदीप, ठीक है। तो अभी मैंने लोगों की टीम को कंप्लीट किया है और टारगेट है मेरा कि टॉलविन में सबसे बड़ी टीम बनानी है मेरे को, सबसे बड़ी। सुपर ब्रदर, आपका दिल से स्वागत है और ईश्वर करे ऐसा ही हो। हम जब जरूर तो आपको दोबारा देखना चाहेंगे आने वाले समय में कि आप एक बड़ी टीम के साथ और बड़े अचीवमेंट के साथ भी इस मंच में आए, तो वेलकम वंस अगेन, ठीक है। अगर हम दोबारा स्वागत करेंगे आपका आपका एक लीडर के रूप में, पहले आप करके दिखाए, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन अ वर्ड, ठीक है। तो शब्दों से ज्यादा कार्य बोलते हैं, तो कार्य पे विश्वास रखते दोस्त, आप अपना एफर्ट जारी रखें। थैंक यू आप डेली आते रहे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, 10:01 हो चुका है। अब मैं सभी से क्षमा चाहूंगा, अपने गेस्ट से जो पहली बारी हमारी इस मीटिंग को देख रहे हैं या जिनके माइक अनम्यूट नहीं है, उन सबको, क्योंकि हमें सारे लीडरों को भी सुनना है और एक टाइम बाउंड मीटिंग करनी है हमने कम समय में अपनी बातें। तो मैं सारे लीडरों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आज जिस लीडर को भी मैं इन्वाइट करूंगा, मेरी काइंडली हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी बातचीत को सर 2 मिनट में वैल्यूएबल मैसेज के साथ कंप्लीट करें और कोशिश करें कि आप अपनी टीम को वो मैसेज दें जो उनको जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले आज इन्वाइट करना चाहूंगा खुशनूद आलम सर को, वन ऑफ द डायनेमिक पर्सनैलिटी, जबरदस्त लीडर सहारनपुर से। आज बात करूं माय डियर फ्रेंड, तो 1 करोड़+ इनकम कर चुके हैं इस सिस्टम में, इनके द्वारा हजारों लोगों की जिंदगियों को परिवर्तित किया जा सकता है। आज बात करूं तो हजारों लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं, हजारों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो मैं आप सबकी जिनके माइक अनम्यूट है उनकी क्लैप्स के साथ वेलकम के साथ इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर खुशनूद आलम सर, वन ऑफ द डायनेमिक पर्सनैलिटी फ्रॉम सहारनपुर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी हमारे इस प्यारे से मंच पे विराजमान ग्रेट लीडर हैं उन सब का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, और जो नए साथी जुड़े हैं या रोज जुड़ते हैं उन सब का भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। सर बताना चाहूँगा कि टॉलविन लाइफ किसी भी एंगल से या किसी भी तरह से एक वो ब्रांड है कि जहाँ भी जाओगे ना, जिसके पास भी जाओगे प्लान लेके, जिस इलाके में या जिस गांव में जाओगे, ऑलरेडी पहले से ही वहाँ 2-4 लोग मिलेंगे टॉलविन लाइफ में। तो इसलिए बहुत आसान हो गया हम लोगों को टॉलविन लाइफ करना। बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट के अंदर हैं और हर काम को शुरू करने के लिए जीरो से ही शुरू करना होता है, लेकिन हम लोगों के अंदर दिल और दिमाग में जो है सिर्फ और सिर्फ टॉलविन लाइफ है। जितने लोगों की टीम है वो किसी की 10 लोगों की टीम है, चाहे वो किसी की 100 लोगों की टीम है, चाहे वो किसी की 5 लोगों की टीम है या 5,000 लोगों की टीम है। मैं आज भी इस बात को कहता हूँ कि अपनी टीम पे फोकस करें, अपनी टीम से कंटिन्यू बात करते रहें,
अपनी टीम के अंदर मीटिंग रखें, फेस टू फेस मिले, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। अपनी बात को तुम्हें ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा अपनी बात को तो यहीं विराम दूंगा। और बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं हमारे, उन लोगों को भी सुनना है। तो थैंक यू सर, धर्मेंद्र सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि कुछ इंटरनेशनल गेस्ट भी हमारे साथ हैं, तो मुझे एक पर्सन दिख रहे हैं, एसी कुमैन सर। एसी कुमैन सर, आर यू देयर सर? हेलो, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। एसी कुमैन सर, यू आर द पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, इज इट पॉसिबल टू यू टू रिस्पॉन्ड वी पीपल? हेलो, आई थिंक ही इज बिजी समवेयर, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं, कोई बात नहीं है। मुझे लगता है सर के पास अभी, हो सकता है कहीं बिजी हूँ, तो हम नेक्स्ट, मैं बातचीत करना चाहूँगा या नेक्स्ट मैं इन्वाइट करना चाहूँगा दीपक रंजन सर, वन ऑफ द डायनेमिक पर्सनैलिटी, एक बहुत जबरदस्त लीडर ये भी हैं सर, और इनकी अगर आप बातचीत सुनेंगे, इनकी मधुर आवाज़ सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं किस डायनेमिक पर्सनैलिटी, किसे कैसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जो मिठास से भरे हुए हैं। तो इनके एक एक, एक शब्द में जादू है, तो शब्दों के जादूगर मैं दीपक रंजन सर को इन्वाइट करना चाहूँगा, तो मोस्ट वेलकम रंजन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको और सारे जितने भी मेंटर सुपीरियर्स हैं सभी को धन्यवाद। और धर्मेंद्र सर, ग्रेट आपकी होस्टिंग, फर्स्ट टाइम और वाकई ही लाजवाब होस्टिंग है सर, होना भी यही चाहिए। और जो आज के प्लान हमारे जिन्होंने रखा, जिन्होंने दर्शाया पारदर्शी प्लान को बड़ी सूक्ष्मता रूप से और सहज तरीके से, तो दीपचंद यादव सर, डायनेमिक पर्सनालिटी, द ग्रेट प्लान सर ने शो किया हम सभी के बीच। और जितने भी मेंटर्स हैं साथियों, सबसे पहले तो अक्सर हम लोग धन्यवाद करते हैं उस कुदरत का, उस ईश्वर का, जिसके वजह से हम सभी लोग आज एक दूसरे के जीवन में हैं और एक दूसरे के जीवन को परिवर्तित करने के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ तरीके इस मंच पे हमेशा ही सभी सहयोगियों के साथ में सहयोग में सम्मिलित रहते हैं। तो सभी को इसके लिए सभी को धन्यवाद करना चाहिए उस कुदरत को। और सेकंड धन्यवाद उस महान शख्सियत को जिसके वजह से हम सभी के जीवन में ये टॉलविल लाइफ कॉन्सेप्ट है, मिस्टर सलमान सर, आशीष टंडन सर, आशीष साहू सर, देवनाथ साहू सर और अनुराग पांडे सर, द ग्रेट पर्सनालिटी मेंटर सुपीरियर समित कुमार मौर्य सर, विकास मलिक सर और खुशनूर आलम सर, सोमपाल आर्य सर और जितने भी साथी उपस्थित हैं, द ग्रेट साथी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह दिवाकर सर, वीरेंद्र सिंह सर और एस एस पटवार मैम और मदन लाल सर, राजेश दास जी हैं और इंतजार मिर्जा सर ब्यास से, तो बाकी जितने भी साथी हैं मेरे यहाँ पर, नरेंद्र सिंह सर, उर्मिला दास मैम, रजनी मैम और जितने भी बहुत सारे साथी हैं, महेंद्र सिंह सर, महिपाल सिंह चौहान सर, जितने भी साथी हैं मेरे, सभी को मैं धन्यवाद करता रहूँगा हमेशा ही, बारंबार और हर बार धन्यवाद करूँगा साथियों, क्योंकि हम लोग बड़े लकी हैं कि आज हम सभी लोग हमेशा एक मंच पे, एक सिस्टम के लिए एकत्रित हो पा रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस कुदरत का इसके लिए। और साथियों, फाइनली मैं जो छोटी सी एक शेयरिंग हमेशा की तरह मैं रखूंगा आपके बीच में, और छोटी सी शेयरिंग बस इतनी रहेगी कि हर इंसान के अंदर उस कुदरत ने, उस बनाने वाले कुदरत ने जिसने हम सभी की रचनाकार की है, उसने हम सभी के अंदर वो सारी शक्तियां डाली है जो कि इस धरती पर, इस सृष्टि पर हम आके और अपने जीवन में अपने उन सभी किए गए कार्यों से हम उपलब्धियां हासिल कर पाए। तो साथियों, मैं यही कहता हूं कि अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, आपके अंदर बहुत अपार शक्तियां हैं जो आपको कामयाब बना सकती हैं। मीन्स कि कब आप कामयाब तभी नहीं हो पाएंगे जब आपको कामयाब होने की नॉलेज नहीं होगी। मैं कहता हूं आप जिसकी संगत में रहेंगे वो सीख जाएंगे,
आप उसके साथ सीख जाएंगे, एटलीस्ट मैं कहता हूं जीवन में आज अगर आप महसूस करें तो आपने ब्रश करना, यानी खुद से जो टूथपेस्ट हम पेस्ट करते हैं ना ब्रश, वो भी करना हमने सीखा है, उसके बाद ही उसकी आदत हमने डाली है। खास कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में एक वजह पाई गई है, वो वजह बस यही है जिन कामों को करके कामयाब लोग कामयाब बनते हैं, साथियों नाकामयाब लोग उसी कामों को करने से कतराते हैं। मैं कहता हूं अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, देखिए सफलता का मतलब ये नहीं कि केवल आप सफल हुए, सफलता का मतलब साथियों ये है कि आपके साथ आपके परिवार के लोग, आपके आस पास के लोग, वो सभी लोग आपसे प्रेरणा लें, सभी लोग आपको मार्गदर्शक माने, सभी लोग आपको समझे कि वाकई ही आपका साथ अगर उसको मिल जाए तो वो भी कामयाब हो सकता है। तो साथियों इसके लिए हम कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, अगर आपको 500,000 कमाना है, अगर आपको 500,000 कमाना है तो मैं कहता हूँ 500,000 कमाने के लिए, यस सर काइंडली कंक्लूड, सर काइंडली कंक्लूड प्लीज, और भी लीडरों को मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों को हम सुन सके और कम समय में कर सुन सके सर, तो तो साथियों बस इतनी सी बात है कि जैसी संगत वैसी रंगत, हम 500,000 कमाने वाले को संगत पर आएंगे वही सीख जाएंगे, लेकिन लाख दो लाख कमाने की बात हो तो हमें उनकी संगत पकड़ने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपने बारे को विराम दूंगा, सभी मेंटर सुपीरियर्स को धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद धर्मेंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक यू रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा आप इतना नहीं मानिएगा, हम लीडर हैं ठीक है, और हमें ही सर हमने ही मतलब अपने लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं ताकि हम लोगों को वो चीजें सिखा सके जो हम खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम ही टाइम बाउंड अगर कोई चीज नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को भी नहीं सिखा पाएंगे। तो आप सबका धन्यवाद करते हुए, आप सभी लीडरों का, मैं नेक्स्ट लीडर को इन्वाइट करना चाहूंगा। हमारे बीच में अभी अमित मौर्य सर हैं, वो एक बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी, एक जबरदस्त पर्सन, वो भी शब्दों के बहुत बड़े जादूगर हैं सर। उनकी बातें अगर आप सुनेंगे, उनके द्वारा कही गई शेयरिंग को आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं कि उनसे बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं संगम प्रयागराज की धरती से आमंत्रित करना चाहूंगा इस पावन मंच पर एक जबरदस्त पर्सनैलिटी, जबरदस्त पर्सन अमित मौर्य सर को। वेलकम सर, आपका तहे दिल से स्वागत। वेलकम सर, वेलकम 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 सर, मौर्य सर वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू धर्मेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और मंच पे अपना एफर्ट दिखाने के लिए भी आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है सर, आप पुराने नेटवर्कर हैं और आप खुल के सामने आए हैं, इसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत हर एक इंसान को है। तो और आज की मंच का संचालन कर रहे धर्मेंद्र सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मंच का संचालन संभाला है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को अपना सानिध्य दे रहे हैं और लोगों को बुला भी रहे हैं और लोगों को बेहतर तरीके से गाइड करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस मंच के आज के हमारे सूत्र संचालक धर्मेंद्र सर को तहे दिल से नमन करते हुए और आभार प्रकट करते हुए कि मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया, और इस मंच पे आज का जो हमारा प्लान किया गया है बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर दीपचंद यादव सर के माध्यम से एक एक बारीकी समझ में आई होगी, और प्रतिदिन अगर आप मंच से जुड़ते रहेंगे तो आपको सिस्टम की आन बान शान, यानी हमारा जो मूल टूल है जिसको हम बोलते हैं कि हमारा रूट जो है जिसको हमें सींचना है, वो रूट को जब हम सही ढंग से समझेंगे तो वाकई में हमारा जो पौधा है, जिस पौधे को हमने बोया है इस सिस्टम में अपनी आईडी के थ्रू, उसको हम बड़ा कर पाएंगे और हमारी जो ट्री है वो कई शाखाएं ऑटोमेटिक निकालेगी और सिस्टम हमको वर्तमान से लेकर भविष्य में देता रहेगा। और इस मंच पे उपस्थित हमारे सभी ग्रेट पार्टिसिपेंट्स और ग्रेट डायनेमिक लीडर्स का तहे दिल से अभिनंदन है मेरी तरफ से। एसपी आर्या सर बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, आपका अभिनंदन है सर। मांगीलाल सोना सर ग्रेट डायनेमिक लीडर, जबरदस्त पर्सनालिटी है, आपका अभिनंदन है सर। इंतजार मिर्जा सर बेहट से हैं, आपका अभिनंदन है सर। दीपक रंजन सर हैं दिल्ली से, आपका अभिनंदन है सर। भूपेंद्र सिंह सर, आपका अभिनंदन है। धर्मेंद्र कुमार सर आज की संचालन कर रहे हैं, आपका एक बार पुनः अभिनंदन है सर। खुशनूद आलम सर सहारनपुर से हैं, आपका भी अभिनंदन है सर। अफरोज सर हमारे जबरदस्त ग्रेट
डायनेमिक लीडर और ग्रेट अपलाइन हैं, आपका तहे दिल से अभिनंदन है सर। राजेश दास सर, आपका अभिनंदन है। राजस्थान से आर चौधरी एल चौधरी सर है, आपका अभिनंदन है। वीरेंद्र सिंह सर, आपका ग्रेट वेलकम है। विकास मलिक सर, इस मंच के ओनर में से एक विकास मलिक सर, आपका अभिनंदन है। मदन लाल सर, आपका अभिनंदन है। एसी कुम्बन सर, आपका अभिनंदन है। दीपचंद यादव सर, आज आपने जबरदस्त मतलब दिल को एकदम सम्मोहित करने वाला प्लान दिया है, आपका ग्रेट थैंक्स। और इस मंच पे उपस्थित नारी शक्ति में जबरदस्त ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी एस एस पडवार मैम, आपका अभिनंदन है। रमन लाल जी भरतपुर से हैं, आपका अभिनंदन है सर। विजय गोयल सर और हमारे इस मंच पे और भी ग्रेट डायनेमिक लीडर्स हैं जो अभी नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, जैसे अमित सिंह सर हैं, पटेल सिंह सर हैं, आपका अभिनंदन है। डॉक्टर अशोक सर, अंग्रेज सर, एम के रंगा सर, सभी साथियों का ग्रेट वेलकम। और सबसे ज़्यादा ग्रेट वेलकम है इस मंच पे आने वाले और इस मंच को गुलजार करने वाले आप सभी साथियों का, जिनके माइक तो मैं हमेशा म्यूट देखता हूँ, लेकिन जब जब मौका मिलता है आप अपना हुनर इस मंच पे अपने वक्तव्य के माध्यम से दिखाते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है। और इस मंच पे आने का एक ही मकसद है, सीखना। लोगों की बातों से जो रस निकलता है, उस रस का जब हम रसास्वादन करेंगे तो मंत्रमुग्ध होंगे, आत्ममुग्ध होंगे, और वही मंत्रमुक्तता और आत्ममुक्तता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस मंच पे काबिल काबिल इंसान आते हैं जो सिस्टम को अपना समय भी दिए हैं, संघर्ष भी किए हैं, और उस संघर्ष से तजुर्बा भी लिया है, और अपना कारमा भी बड़ा किया है, अपने साथ एक पैसिव इनकम कमाने के लिए, पैसिव इनकम का जरिया बनाने के लिए अपनी टीम बनाई है। तो दोस्तों, सीखिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखने का ही ये बिजनेस है। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना बड़ा कर पाएंगे। वाकई में पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है दोस्तों कि आप सोते रहेंगे तो भी इनकम आती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को सही तरीके से खाद पानी देना होगा। लेकिन जो आपका रूट है, यानी जो जिस आईडी को एक बीज के रूप में आपने बोया है, अपने खुद की आईडी को, उस पर जब आप काम करेंगे एज ए स्पॉन्सर बोनस लेने के लिए, मैक्सिमम डायरेक्ट के ऊपर जब आप काम करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम डायरेक्ट, जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता को आप रोज बढ़ाएंगे, मैक्सिमम डायरेक्ट पे काम करेंगे, तो आने वाले समय में वही आपका जो मैक्सिमम डायरेक्ट के जो आपके लाइफ लाइन होंगे, उन्हीं के माध्यम से आपका रूट जो है वो बड़ी अच्छी और हरी भरी शाखाओं को उत्पन्न करने का मौका देगा। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे सिस्टम में टॉलमेन लाइफ की, ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, क्योंकि जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बार बार आती है, हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी कई बार आती हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। हमारी हाँ जी सर, सर कंक्लूड करिएगा प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे भी, आप ग्रेट लीडर हैं, तो प्लीज कंक्लूड करिएगा थोड़ा ना सर, क्योंकि मैं हम लोग मैक्सिमम लोगों को कवरअप करना चाह रहे हैं सर, और मैं 10:30 तक इसे बाइंड अप करना चाह इस मीटिंग को। जरूर सर, चलिए दोस्तों, थैंक यू। कोशिश कीजिए कि आपका जो अपनी टीम है, उस टीम को बेहतर बनाइए, उस टीम को गाइड करिए, और उसका एक ही तरीका हो सकता है, आप टाइम को बाउंड मत करिए, क्योंकि टाइम ने आपको बाउंडेशन नहीं दी है। हमने टाइम को 24 घंटे में बांधा है दोस्तों, टाइम ने हमको नहीं बांधा है, टाइम अनवरत चलता है, उसको आपने और हमने 24 घंटे और आधे घंटे एक घंटे में बांधा है। हमारे लिए जीवन का एक एक पल अमूल्यवान है, और हम उसको बाउंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमको बाउंड नहीं किया है। इसलिए अपने आप को जितना ज़्यादा विस्तारित करना है उतना बड़ा विस्तार बनाइए, हर एक चीज़ का विस्तार है। इस ब्रह्मांड ने आपको मौका दिया है अपनी तरह विस्तारित होने का, तो कोशिश करिए मैक्सिमम लोगों तक अपनी पहुंच बनाइए, और अपने टारगेट को पूरा करिए। और आपका टारगेट क्या है, सबसे पहले उस पर काम करना है, अपने टारगेट पे जो आपकी सोच है उस सोच पे काम करना है, और सोच को सफल बनाने के लिए संघर्ष करना है, लोगों के बीच में जाना है, और उनसे सिस्टम के बारे में कन्विंस करना है। और जब कन्विंस करने की कला आप सीखेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए, टाइम बाउंड पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो लोगों को आप समझा नहीं पाएंगे, सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम बाउंडेशन से लोग नहीं सीखते हैं। लोग तो यहाँ तक हैं कि सो रहे हैं, उनको अपनी आईडी लगा के पैसा लगाने के बाद भी उनको फिक्र नहीं है। इस मंच को चलाने के लिए हम लोगों ने एक ही प्रयास किया था कि हमारे पास 10 लोग भी आएंगे तो हम उनको समय देंगे, क्योंकि हमें उनको सिखाना है।
और जितना हम उनको सिखा पाएंगे उतना हम बेहतर कर पाएंगे। इस मंच के माध्यम से मुझे नहीं पता कि कितने लोग सफल हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं और जब ये बोलते हैं कि मैंने इनसे बात किया था, फला लीडर से बात किया था और उनकी एक शब्द ने मुझे प्रेरित किया और आज मैं 3,000-5,000 की टीम बना चुका हूँ, तो मंच चलाने का ये सक्सेस यही मिलता है। बाकी टाइम बाउंडेशन को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको टाइम में बाउंड नहीं होना है, आपको विस्तार करना है, इसलिए समय की परवाह मत करिए, समय के साथ चलिए और आगे बढ़िए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय टॉल मी लाइफ। सुपर सुपर, थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट वही करूंगा, एसपी आर्या सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, बहुत जुनूनी इंसान, एक बेसिकली आप देखे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी इनके जुनून जोश को मैं जब देखता हूँ तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। बाई प्रोफेशन आई एम ऑल्सो ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मैं देखता हूँ कि ये व्यक्ति पहले जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी कितने दृढ़ निश्चयी हैं और कितने निश्चय के साथ, कितनी मेहनत और लगन के साथ इस सिस्टम को कर रहे हैं। इनकी मेहनत को सल्यूट, और इनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा मैं आप सबके क्लब्स के साथ। एस पी आर्या सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, स्पेशल थैंक्स आज की जबरदस्त होस्टिंग कर रहे धर्मेंद्र सर को। सर आपका जो आवाज है और आपका होस्टिंग करने का तरीका लाजवाब सर, और आज के सुपर डुपर प्लानर दीपचंद यादव सर, ग्रेट प्लानिंग है सर दीपचंद यादव सर आपकी, ग्रेट सर। नमन इस मंच को जिस मंच ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, और नमन एक साथ में उन सभी ग्रेट मेंटर का लाखों बार सलूट करता हूँ, उन सभी ग्रेट मेंटर का जो इस मंच पर आते हैं दिन प्रतिदिन अपना निस्वार्थ भाव से समय देकर के बहुत सारे लोगों के जीवन के बदलाव के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस मंच के ग्रेट फाउंडर विकास मलिक सर और जितने भी सारे साथी हैं वो भी इस मंच के फाउंडर ही हैं, नमन उन सभी साथियों को वापस से। मैं एसपी आर्या सहारनपुर से टोलमी लाइफ का सच्चा सिपाही। साथियों मैं तो केवल इतना ही बोलना चाहूंगा, टोलमी लाइफ हमारी जिंदगी में वो बन के आया है जिसने ये दिल बोलते हैं ना, दिल के आर पार चला गया है। साथियों मेरे तो रग रग में टोलविन बस चुका है, अगर मुझे मौका मिले साथियों मैं इतना बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ, इतनी बड़ी मैं सोच रख रहा हूँ। दुख इस बात का होता है इस मंच पे लगातार हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे संख्या कम ही है, संख्या नहीं बढ़ पा रही है। मैंने कल भी एक बात कही थी साथियों, अगर हम अपने आप को पूरा डेडिकेट नहीं कर सकते तो सफलता हम देखेंगे, मुंह ताकेंगे दूसरे की सफलता देख सकते हैं बस। हमारी सफलता ना आज हुई ना कहीं हुई, कब होगी? हम वही डाक के 3 बार नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रहे हैं, कहीं कहीं सालों का एक्सपीरियंस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, 20 साल का भी, 10 साल का भी, 15 साल का भी, लेकिन कामयाबी मिली नहीं है। और जहाँ कामयाबी मिलने का मौका मिला है टोलिंग लाइफ के अंदर, वहां हम सोच रहे हैं बैठ करके कि अब क्या करना है, अब क्या होना है, फूल कब आना है। ये सोचने से कुछ नहीं चलेगा, हमें अपने आप को टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे 6 महीने के अंदर अगर 50 लाख रुपए कमाना है तो कमाना है, उसका क्या रोड मैप है, उसकी क्या तैयारी है, उसका क्या तरीका है, वो आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक अपने मन में कोई विचार नहीं बनाएंगे तो वो आपके जीवन में कभी उतर ही नहीं सकता है। अगर आप नहीं सोचेंगे मुझे जीवन में 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी खरीदनी है तो इम्पॉसिबल, प्रकृति आपका साथ कभी नहीं देंगी। और अपने मन में बना लीजिएगा कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है और कामयाब होना है और 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी खरीदनी है तो प्रकृति भी आपका साथ देगी। ये प्रकृति आपको एक नेचुरल पावर देती है, जिस तरीके की आप थिंक रखते हैं मैंने समझा है, मैंने सीखा एजुकेशन में। अगर इस ब्रह्मांड के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल चीज अगर कुछ है ना साथियों,
अगर इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे पावरफुल चीज है वो है दिमाग, बस ये दिमाग इतना पावरफुल है, मैं आपको इतने सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, इस माइंड की पॉजिटिव थिंकिंग से ऐसी ऐसी बीमारियां तक ठीक हुई हैं जो दवाई से भी नहीं ठीक होती थी। तो साथियों माइंड इतना पावरफुल है क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो भी चल रहा है केवल इस दिमाग की उपज के कारण चल रहा है। फ्लाइट आज उड़ रही है तो किसके कारण उड़ रही है? आपने सोचा कभी फ्लाइट आसमान में सेफ रहता है या आपके जमीन पर सेफ रहता है? जमीन पे सेफ रहता है, लेकिन उसकी इज्जत तब है तब वो आसमान में उड़ता है। साथियों पानी का जहाज किनारे पे सेफ रहता है कि पानी के समुद्र में सेफ रहता है? साथियों वो किनारे पे सेफ रहता है, लेकिन उसकी इज्जत तब होती है जो वो समुद्र की लहरें को चीरते हुए अपना काम पूरा करता है। बस मैं तो कम शब्दों में यही कहना चाहता हूँ, मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिए, आप समझ लीजिएगा। अगर आप अपनी इज्जत स्वाभिमान और सम्मान पाना चाहते हैं तो मैदान में उतरिएगा। इस दुनिया के अंदर कहाँ रिक्स नहीं है और कहाँ रिक्स है ये आपको समझना पड़ेगा। कम शब्दों में मैं तो इतना ही कहूंगा, जिंदगी की कहीं हार बाकी है, जिंदगी का कहीं सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर। अभी तक तो एक पन्ना था टोलविन लाइफ का, अभी तो टोलविन की पूरी किताब बाकी है। और जान लीजिएगा आप सारे साथी जितने मंच पर बैठे हैं, नए पुराने साथी, टोलविन साथियों हमारा साथ छोड़ने वाला कभी नहीं है, आज भी यही है। आज के साल भर बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद आप लोग के बीच में टोलविन रहेगा। आपको समझना पड़ेगा आपको कितना पैसा यहाँ से कमाना है। टोलविन के लिए कहता हूँ, जिंदगी की कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। टोलविन से चले हैं नई मंजिल की ओर, अभी तो टोलविन ने केवल एक पन्ना पूरा किया, पूरी किताब बाकी है। आपको सोचना कितना पढ़ना है। धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद सर। अप्रोच सर को, अप्रोच सर चंडीगढ़ से, तो वेलकम सर, मैं दिल से आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा आप कम समय में अपनी बात को रखें। थैंक यू सर, थैंक यू रविंदर सर। मैं अप्रोच चंडीगढ़ से, वैसे मैं पीछे बिहार से और मैं बिहार में ही हूँ अभी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं मीटिंग में अभी नहीं बन पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा रमजान चल रहा है और मैं सफ़र में भी था, अभी एक हफ्ता तो ऐसे ही चला मेरा। तो सर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे शेयरिंग, और बेशक कारिया सर ने जो बोला कि तालिबिन हमें नहीं छोड़ेगी, सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? आ रही है आवाज़ दोबारा हो रही है सर? हेलो यार, आ रही है यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है सर। तो मैं यही बोलना चाहूंगा सर, नए साथी जितने भी हैं, तो सर आप लोग टालबिन को समझ लीजिए, सोच लीजिए, सोच के इस पे फुल टाइम कीजिए। मैं पिछले 11-12 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं टालबिन को फुल टाइम कर रहा हूँ और फुल टाइम जी रहा हूँ सर। तो थैंक यू धर्मेंद्र सर, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सर टालविन को समझें और समझ के करें, इसको दिल से समझने की जरूरत है और दिल से करने की जरूरत है। तो थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट मैं नारी शक्ति को नमन करते हुए एमपी की धरती से इनवाइट करना चाहूँगा एक डायनेमिक लेडी, एसएस पटवार मैम। काइंडली मैम अपनी आप मैसेज को लोगों के बीच। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम जी, वेलकम वेलकम, ग्रैंड वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम, ताली से स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर, आपने मुझे इतनी बड़ी मंच में बोलने के लायक समझे, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका। और दोस्तों इस मंच में उपस्थित सभी जितने भी ग्रेट लीडर है, सभी लोगों को नमन चरण वंदन करती हूँ, और जितने भी साथी हैं सभी लोगों को दिल की गहराइयों से नमन नमस्कार। और दोस्तों मैं एसएस पटवार एमपी से हूँ, आज 10 महीने से मैं भी सिस्टम में हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। जिस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी अभी दिए हैं हमारे बीच दीपचंद यादव सर, एकदम बहुत ही सुंदर जानदार शानदार प्लान सर आपका,
बहुत ही अच्छे ढंग से आपने प्लान प्रेजेंट किए हैं और हमारे बीच आज जो मंच की संचालन कर रहे हैं धर्मेंद्र सर, काफी अच्छी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी। तो दोस्तों मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि जितने भी साथी मंच पर हैं सभी लोग मन से तालमेल करें और अगर मंच में आप लोग उपस्थित होते हैं तो ध्यान पूर्वक प्लान को समझें ताकि आपके भी जो सवाल है सारे सवालों की जवाब आपको प्लान में भी मिलते हैं और अपने आप से भी मिलते हैं। और लीडरों के साथ सतत संपर्क में रहें, आपकी लीडर आपको जिस तरह से गाइड करते हैं उसको फॉलो करें, जरूर आप हम सभी लोग कामयाब होंगे। सिस्टम बहुत जानदार है, शानदार है, ईमानदार है, हम सबके बीच है और जीवन भर रहेगा, आजीवन रहेगा। तो बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी सर। जय हिंद, जय भारत, जय टॉल बिंद, जय टॉल बिंद, जय जय टॉल बिंद। बहुत कम समय में बहुत बड़ी बहुत बड़ा मैसेज लोगों के बीच रखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। इसके बाद मैं मांगी लाल सोना सर को इनवाइट करना चाहूंगा एमपी से ही। तो एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त पर्सन सर। बोलते हैं कि मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है सर, आपकी पढ़ाई लिखाई, बिकॉज बात करूं पढ़ाई लिखाई कोई मैटर नहीं करता सर, जज्बा और जुनून मैटर करता, आपकी सोच मैटर करती है कामयाबी के लिए। तो बड़ी सोच के बड़े जादूगर मांगी लाल सोना सर, वेलकम सर। वेलकम 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 सर, सभी का, सभी ग्रेट गुरु को बहुत बहुत नमन। दोस्तों मैं मांगीलाल यशोना एमपी जिला देवास और मेरे ग्रेट अपलाइन अमित मौर्या सर, विकास मलिक सर, दीपचंद दादा छोटे भाई और दीपक रंजन सर और धर्मेंद्र कुमार सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार सर, आपकी मैं एजुकेशन को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे दीपचंद दादा का बहुत ही बढ़िया प्लान आज का, बहुत ही शानदार, अलग अलग तरीके से उन्होंने बिल्कुल बारीकी से समझाया। और मंच पे जितने भी ग्रेट गुरु एस पी आर्या सर, खुशनुम आलम सर, एस एस पटवार दीदी, सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। दोस्तों सिस्टम बहुत ही शानदार है, मैं अभी भी सफर में हूँ, मतलब मैंने आज 12 आईडी निकाल दी समझ लो, उसमें से 4 आईडी का पेमेंट आ गया है लेकिन 8 का और अभी कल आने वाला है। दोस्तों धीरे धीरे करके अब काम बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ने वाला है, मेरे को घर जाने में अभी आधा घंटा और लगेगा। दोस्तों बहुत ही शानदार और ईमानदार सिस्टम के साथ में आप जुड़े हो, लेकिन बस एक ही शर्त है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी, टीम को बनाना पड़ेगा, टीम को ध्यान रखना पड़ेगा और टीम में रोज फोन लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा 10-20 किलोमीटर अगर है तो आपको जाना भी पड़ेगा। दोस्तों अभी क्या है कि अपग्रेड के बाद में लोग आपको बोलेंगे कि वाकई में ऑटोमेटिक आपसे पूछेंगे सर आप क्या करना, सर आप क्या करना, सर आप क्या करना। इतना शानदार सिस्टम के साथ में आप जुड़े हो तो थैंक यू सर, समय का आभार थोड़ा। थैंक यू सर, एक्सीलेंट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दास सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर, आप कम समय में कम शब्दों में सर आप बड़ी बात कहने की कोशिश करें, तो राजेश दास सर वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम ग्रेट, वेलकम ग्रेट, वेलकम मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। मुझे लगता है सर तो भूपेंद्र सर, भूपेंद्र सर मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा सर। वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू सभी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कम समय में बड़ी बात कर आप रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी होस्टिंग बहुत ही गजब रही सर, हम तो आपके फैन जैसे थे और फैन हो गए सर आपकी होस्टिंग सुन के आज, और बहुत गजब मैसेज देते हैं आप। थैंक यू सर आज की होस्टिंग के लिए आपकी, और मैं मंच पर उपस्थित सभी लीडर्स को जो हमारे अप्लायंस हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इतना प्यारा मंच तैयार किया हम लोगों के लिए। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि फोकस रखिए सर, अपने गोल्स को बना लीजिए, अपने उन ड्रीम्स को बना लीजिए जिनको आप यहाँ से पूरा करना चाहते हो टॉल बिंद लाइफ के माध्यम से। सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा, अपने गोल्स को क्लियर कर लीजिए, आपको आखिर इस लाइफ में करना क्या है, टॉल बिंद लाइफ में आके आपको करना क्या है, आकर आपका वाई क्या है, आप टॉल बिंद लाइफ में आए हो तो क्यों आए हो, किस रीजन से आए, उस रीजन को आप ढूंढ लो सर, वाई ढूंढ लो, अपना वाई क्लियर कर लो, टॉल बिंद लाइफ में आप सक्सेस पा जाओगे। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। तो प्लीज आप अपने वाई को क्लियर करिए,
और जैसे ही आपका वाई क्लियर हो जाएगा सर, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप डॉल्फिन लाइफ में बहुत बड़ी टीम बनाओगे। थैंक यू सर, थैंक यू धर्मेंद्र कुमार सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट, सुपर, जबरदस्त, आपने उन समय में बड़ी बात रखी, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इंतजार सर, मैं चाहूंगा कि आप एक मिनट में अपनी बात रखें, इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है इनवाइट करना चाहूंगा विकास मलिक सर को सबसे लास्ट में। इंतजार सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपने मैसेज को आप दे सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम इंतजार जी, ग्रेट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। साथियों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंतजार अली और मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ और टीम सुपरफास्ट। साथियों वो टाइम लग जाइए टालविन में, हमारा कोई दिन ऐसा भी नहीं जा रहा है कि हम एक या दो आईडी नहीं कर रहे, ताकि सर ने तो नारा दिया था वन वीक वन आईडी का, लेकिन हमने अपनी टीम पे इतना फोकस कर रखा है, जैसे कि भाई सुभान ने बोला था अगर डेली तीन चार आईडी लगाते हैं, हम भी अपनी टीम में से पांच या चार डेली आईडी लगाते हैं, जो एक दिन भी होता है उसका एवरेज अगले दिन निकालते हैं। इसीलिए जैसे कि सर ने आज बोला है कि आज थोड़ी टाइम की परवाह करते हुए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, मैं थोड़ी सी अपनी बात को कहना चाहता हूँ, खुशी के फूल उन्हीं की झोली में गिरते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। साथियों मिलके चलिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने टीम को आगे बढ़ाइए, जो भी किसी से जो अपने अप्लाइंस से जो भी मदद मिलती है उसे ले और अपने टीम को खड़े करने का कार्य करें। जय टालविन लाइफ। एक्सीलेंट सर, नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा विकास मलिक सर को, वन ऑफ द डायनेमिक पर्सनालिटी मोहाली पंजाब की धरती से, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, बहुत जबरदस्त पर्सन, और सर को आमंत्रित करने के लिए जितने लोगों का माइक अनम्यूट है मैं उनसे अनुरोध करूंगा क्लैप्स के साथ उन्हें इनवाइट करें, ठीक है, आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। तो वेलकम सर, वेलकम विकास सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, 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 वेलकम सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट करूंगा आज की मीटिंग की बाइंड अप के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप अपने एक सुपीरियर एक एक्सीलेंट मैसेज के साथ आज की मीटिंग को बाइंड अप भी करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के मंच के संचालक धर्मेंद्र कुमार धर्मेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो संचालक होता है उसी के अनुसार मीटिंग चलती है। लेकिन सर आज का जो प्लान रहा हमारे दीपचंद है बहुत ज्यादा सुंदर प्लान रहा, तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा सर, ये जो मंच हमने बनाया है ये केवल इसलिए बनाया कि हम यहाँ पे लोगों को सिखा सके, टाइम की कोई बॉन्डिंग नहीं है सर, ये मंच 12 बजे तक भी चलेगा, 1 बजे तक भी चलेगा अगर चलाना होगा सर, क्योंकि तो हमें सिखाना है और हम रात को इसीलिए बैठते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की शेयरिंग भी सुन सके, और जो शेयरिंग हो वो लोगों के दिल तक पहुंचे और उनको दिल को झकझोर दे और उनको काम करने में मदद करे। अगर हम कोई शेयरिंग कर रहे हैं और बीच में जो रोका जाता है तो वो गलत है, ये भी एक एक मंच का एक तरीके का अपमान है, मेरी बात को धर्मेंद्र जी बुरा मत मानना, क्योंकि आज के मंच के संचालक आप हैं, आप जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आपने दो बार दीपक अनिल जी की शेयरिंग में और अमित जी की शेयरिंग में बीच में था रुकावट की, तो सर वो ठीक नहीं है, जब या तो बुलाओ मत, अगर बुलाओ तो इनकी पूरी बात सुनिए। चलो मैं इन्हीं बातों से आप गुरमानी को विराम दूंगा और आज के मंच का समापन करते हैं, कल मिलेंगे 8:45 पर नए बातों के साथ नए तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।